ठीक, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, तो कल हमने कुछ चीजें हमने देखे थे टेम्परेट में, कि टेम्परेट में पर्टिकुलर कैसा बिहेवियर होता है, क्या कॉमन पॉइंट होता है टेम्परेट क्रॉप्स में, कि सारे डेसिड्यूअस होते हैं, विंटर डोरमेंट होते हैं, सभी में डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, ससेप्टिबल टू स्प्रिंग फ्रॉस्ट होते हैं, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है, प्रूनिंग टाइम, प्लांटिंग प्रपगेशन, फ्लावरिंग टाइम, लगभग चीजें हमने कल देखी हुई थी। सभी में गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, याद है? किसमें नहीं पाई जाती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बताइए। बीच में बीच बीच में, बाकी सब में पाई में जाती है ना। सो लगभग चीजें जो थी हमने कल देख ली थी, और जो चीजें बच गई है उसको आज अपन देखेंगे, ठीक है? तो आपका जो टेम्परेट क्रॉप का जो बेसिक एक आपको पता होना चाहिए, वो समझ में आया आप लोग को, कि टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट क्लाइमेट में प्लांट्स का बिहेवियर कैसा होता है, उससे बचने के लिए वो क्या क्या चीजें करते हैं, कब फूल लाते हैं, कब फल लाते हैं, ये चीज समझ में आई आप लोग को सबसे पहले? ठीक, सर। ओके। दूसरी चीज ये कि ये सारी चीजें जो आपने समझी कल, जो कॉन्सेप्ट था टेम्परेट क्लाइमेट का, उसके बेसिस पे ये डेसिड्यूअस नेचर क्यों होता है, समझ में आया? कारण, रीजन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? विंटर डोरमेंट क्यों होते हैं, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, प्लांट ने ऐसा मैकेनिज्म क्यों डेवलप किया, समझ में आया? ठीक। इसके अलावा हमने ससेप्टिबल स्प्रिंग फ्रॉस्ट, क्यों स्प्रिंग फ्रॉस्ट ही प्रॉब्लम है, ऑटम फ्रॉस्ट को क्यों प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज समझ में आई? मिनट, हॉर्टिकल्चर महाराष्ट्र, ये किसकी आईडी है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। यस यस सर, सर। ओके। वैभवी आपके फ्रेंड वगैरह हैं क्या? नो सर। ओके, कहाँ है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर महाराष्ट्र, आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बताओ, अदरवाइज मैं इधर से रिमूव कर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नाम बता, कौन हो आप बताओगे एटलीस्ट, तो मेरे को समझ में आए। आपको सर ने ऐड किया क्या, दयानंद सर ने? बाकी सभी लोगों का आवाज आ रही है? यस ओके, सर। यस चलिए। क्या नाम है आपका? ठीक है, आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहां से भी लिंक मिला हो आपको एक बार मुझे फोन कर लीजिएगा, एक बार मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपको मैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अलाउ करूंगा, अदरवाइज अभी इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए, बाद में दीजिएगा आप। चलिए ठीक, तो अपन कहाँ थे? ये तो हमने देख लिया कि ससेप्टिबल टू स्प्रिंग फ्रॉस्ट क्यों है, क्यों मॉडिफाइड लेडर सिस्टम यूज करना चाहिए, क्यों प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में ही करते हैं, प्लांटिंग क्यों इसी सीजन में करते हैं, बेयर रूटेड क्यों पॉसिबल है, लीफलेस को वीप क्यों कहते हैं, इसके पीछे जितने क्यों हैं ये समझ में आया है ना आप लोग को, वो ज्यादा जरूरी है। ये सारे क्यों आपको पता होने चाहिए। कल की क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाए थे वो एक बार वीडियो देख लेना, वैसे तो लगभग लोगों ने की हुई थी, है ना? तो वो क्यों आपको आइडिया होना चाहिए। ये प्रोपगेशन वाला क्यों उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं किया है, पहले तो हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर डिस्कशन। सो ये जो प्रोपगेशन के पीछे है, इसको अभी क्लासिफिकेशन में, जब प्रोपगेशन सेक्शन में आएंगे ना तब मैं बताऊंगा। बाकी फ्लावरिंग टाइम समझ में आया, मार्च अप्रैल वाला, इसमें कैसे किसी का अप्रैल मई जून तक जाता है, कैसे कभी कभी फरवरी में ही हो जाता है, ये सारी चीजें पढ़े थे ना, जीडीएच और चिलिंग रिक्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन, चिलिंग रिक्वायरमेंट से ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोग को जानना जरूरी था। अब आज अपन जो है क्या करेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे। कुछ और चीजें मतलब, आप लोगों को मैंने कहा था कि सारे क्रॉप का बॉटनिकल नेम आप लोग लिख लेना। देखो, टेम्परेट में मैं क्लासिफिकेशन अलग से फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तो टेम्परेट ही सबसे कमजोर होता है हर स्टूडेंट का लगभग, ठीक है? लगभग स्टूडेंट लोगों का टेम्परेट सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तो आप लोगों को अपना टेम्परेट क्रॉप को सबसे बेस्ट रखना है। और उसके लिए क्या जरूरी है कि
कि आप एक बार जो है इसके सारे बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, सारी चीजों को प्रॉपरली पढ़ो और उसको याद रखो। तो इसलिए इसको हम लोग फिर से करेंगे। तो बॉटनिकल नेम लोगों ने, सभी लोगों ने याद किया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज अपन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेट क्रॉप पढ़ेंगे। अब किसी बुक में ये अलग से दिया है कि नहीं दिया, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे को जितना समझ में आया इम्पोर्टेंट है वो मैं बना दिया हूँ, जो आपको भूल, जो आप भूल सकते हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेट क्रॉप में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बॉटेनिकल नेम। ओके, बॉटेनिकल नेम में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेट क्रॉप में सबसे पहले आता है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम में आपको कुछ बॉटनिकल नेम को आपको एकदम याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या है बताइए? मैलस डोमेस्टिका। मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखाऊंगा तो आप खोजोगे नहीं, जो लोग नहीं खोजेंगे। तो आप सब लोगों को मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखो, ये माइक ऑफ कर लो जिनके सही से आवाज रिपीट हो रहा है, और ना उसके बाद आप जो है इस चीज को खोज खोज के बुक से लिखो तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, पियर का क्या है बॉटनिकल नेम? पायरस कम्युनिस। पायरस कम्युनिस याद रखना, ये पायरस है। ठीक है, थर्ड एप्पल पियर। क्वींस का क्या है बॉटनिकल नेम? ऑब्लोंगा। इसी फैमिली में एक और क्रॉप आता है जिसे कहते हैं लोकवाट, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट नहीं है। याद है अपन ने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं लोकवाट को? और तो एप्पल पियर क्वींस ओके और लोकवाट इसी फैमिली का है, लेकिन वो सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट में ये तीन आते हैं। इनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीन हो गए आपके क्या, पोमोइडी सब फैमिली वाले, याद होगा रोजेसी में। फिर उसके बाद एप्पल पियर क्वींस के बाद नेक्स्ट क्रॉप क्या आता है? पीच। 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 बॉटनिकल नेम क्या है भैया? प्रूनस पर्सिका। प्रूनस पर्सिका। ठीक है, पांचवा आता है प्लम, क्या आएगा? प्रूनस डोमेस्टिका। ठीक है, इसमें सेलिसिना वगैरह भी और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, वो स्पीसीज जब आता जाएगा तो फिर मैं बताते जाऊंगा। फिर आता है एप्रिकॉट। अच्छा, इसमें काम करना, प्लम जो है ना और पियर जो है, इसमें दोनों का नाम लिखना, यूरोपियन का भी लिखना और जैपनीज पियर का भी लिखना। प्लम में भी यूरोपियन का लिखना और जैपनीज, या इसमें एशियन पियर है, सॉरी, यूरोपियन पियर और एशियन पियर दोनों का बॉटनिकल नेम खोज के लिखना, और प्लम में यूरोपियन और जैपनीज दोनों का लिखना। ठीक है, दोनों ही याद रहना जरूरी है। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को बताना। फिर नेक्स्ट आता है प्रूनस, फिर नेक्स्ट आता है एप्रिकॉट, प्रूनस अर्मेनिया का है, अर्मेनिया ना है ना, प्रूनस अर्मेनिया का। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, चेरी। चेरी में भी दोनों का नाम लिखना है, स्वीट चेरी और दूसरा सोर चेरी, मीठा चेरी और खट्टा चेरी, दोनों का नाम लिखना है। तो एक का क्या है प्रूनस एवियम और दूसरा का प्रूनस सेरासस। इसको ढूंढ के आप लिखोगे और असाइनमेंट में जमा करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, आलमंड। आलमंड का क्या है प्रूनस एमिग्डालिस, एमिग्डालिस या फिर प्रूनस डेलसिस, है ना। ठीक, तो इतना तो आपके रोजेसी फैमिली का हो गया, इतने नाम तो आपको याद रखने हैं। अब देखो, हर बार एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ पे इसका नाम मेलस से चालू हुआ, यहाँ पायरस से चालू हुआ, यहाँ साइनोडिया से चालू हुआ, और एलियो बॉर्ड्रिया जेपोनिका लोकवाट का नाम है ना। इन चारों में से किसी में भी प्रूनस शब्द आया है क्या, किसी का भी जीनस? नहीं। और ये पोमोइडी फैमिली के हैं, तो पोमोइडी फैमिली सब फैमिली में आने वाले जितने भी क्रॉप हैं उनका जीनस नॉन प्रूनस होता है, जबकि पीच प्रूनस पर्सिका, प्लम प्रूनस डोमेस्टिका, अर्मेनिया का अप्रिकॉट प्रूनस अर्मेनिया का, चेरी प्रूनस एवियम प्रूनस सेरासस, आलमंड प्रूनस एमिडेलिस प्रूनस डेलसिस। सबका नाम किससे शुरू हो रहा है, सबका जीनस क्या है, तो प्रूनस है भैया। तो याद रखेंगे जो प्रूनोइडी है, ये जो नीचे से जो क्रॉप आ रहे हैं इतने, ये सब कौन से सब फैमिली, तो हमने प्रूनोइडी पढ़ा था।
तो ये जितने भी प्रूनोइडी फैमिली के क्रॉप है ना, ये सबका जीनस क्या होता है? प्रूनस होता है। ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा जा चुका है, 2019 का पेपर खोजना, तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये बॉटनिकल नेम में रोजेसी फैमिली के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? आलमंड हो गया। वॉलनट का बॉटनिकल नेम क्या है बताइए? जुगलेंट्स रिजिया। पीका नट का क्या है? कैरिया इलियोनेंसिस। कैरिया इलियोनेंसिस खोजेंगे सब। ठीक है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, जुगलेंडेसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चेस्टनट। चेस्टनट का फैमिली बॉटनिकल नेम क्या है? कास्टेनिया डेंटाटा। हाँ, सेटाइवा डेंटाटा, अलग अलग स्पीशीज है बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद आता है हेजलनट। हाँ बोलिए। सर सेटाइवा चलता ना? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कास्टेनिया डेंटाटा, ग्लॉस्टर्स में तो जहां तक डेंटाटा दिया होगा आप लोग का। दोनों ही चलेगा, बहुत सारे चीजें। सेटाइवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सब ना क्या है, नॉर्थ अमेरिका के आस में, चेस्टनट खासकर नॉर्थ अमेरिका में इसका ओरिजिन है, और इसमें इतने सारे स्पीशीज है ना, कई सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हेजलनट या फिर फिलबर्ट। हेजलनट या फिलबर्ट का क्या बॉटनिकल नेम है बताइए? मैक्सिमा। और एक क्या है? हेजलनट का बॉटनिकल नेम क्या है जी? पॉर्लस एविलाना। एविलाना। और एक और क्या है? कोरिलिस मैक्सिमा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक एविलाना वाला स्पीसीज है और एक जो है आपका मैक्सिमा वाला स्पीसीज है। ठीक है, तो ये दोनों नाम को आप लोग याद रखेंगे। कोरिलस एविलाना एक स्पीसीज है हेजलनट, और एक कोरिलस मैक्सिमा। ये सबका बॉटनिकल नेम आप खोजेंगे और लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पिस्ताचियो नट। पिस्ताचियो नट में क्या आ जाएगा बॉटनिकल नेम? पिस्ताचिया वेरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कीवी फ्रूट। क्या है बॉटनिकल नेम? एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। तो ये बॉटनिकल नेम मैं जानबूझ के इनकम्प्लीट लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको कॉपी में खोज के लिखो, तो आप लोग को ये लिखना है भैया। और ये आलमंड के बाद यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ऐड कर लेना रोजेसी फैमिली में। क्या है स्ट्रॉबेरी का बॉटनिकल नेम? अनानासा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो ये हो गया बॉटनिकल नेम का लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेट क्रॉप को समझने से पहले टेम्परेट क्रॉप का बॉटनिकल नेम याद रखना। तो इसको लिख लो और कहीं पेज को दीवार में चिपका लो और याद कर लो। इसको कर लिया तो एक नंबर का सवाल तो बन ही जाएगा। जेआरएफ का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके स्टेट एग्जाम का जरूर बन जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इसमें फैमिली क्लासिफिकेशन। हालांकि ये सारी चीजें आपको याद है, बस मैं आपके रिविजन के लिए इस चीज को लिखा रहा। सबसे पहला फैमिली आता है भैया, टेम्परेट क्रॉप की बस बात कर रहे हैं, ठीक है, रोजेसी फैमिली। अभी फैमिली क्लासिफिकेशन तो न्यू बैच वालों ने रिसेंटली पढ़ा है। रोजेसी फैमिली को हमने टोटल कितने टुकड़ों में बांटा है? थ्री टुकड़ों में, है ना। सबसे पहला टुकड़ा क्या है? सब फैमिली क्या है? पोमोइडी। क्या क्या क्रॉप आते हैं पोमोइडी में? एप्पल पियर क्वींस लोकवार्ट। क्या खासियत है इस फैमिली की? चारों की क्रोमोसोम नंबर 34। सभी के सभी का जीनस नॉन प्रूनस जीनस। समझ में आया ना क्या होता है? किसी का भी नाम प्रूनस से चालू नहीं होता। सभी का एडिबल पार्ट थैलेमस। सबका फ्रूट टाइप पोम टाइप पोम, है ना। सबका फ्रूट टाइप क्या है? पोम। सभी के सभी ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट फॉल्स फ्रूट।
सबका सिग्मोइडल कर्व, सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, सबका सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इतना पांच पॉइंट तो आपको याद रखना है। सभी में टर्मिनल बर्ड क्या होगा? मिक्स्ड। सभी में टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है। तो एटलीस्ट ये छह पॉइंट यहां से याद हो जाए, ठीक है। बाकी क्रॉप में तो अपन समझेंगे ही, ठीक है। तो समझ में आया यहां तक का चीज? यस सर। दूसरा आता है जिसे कहते हैं प्रूनोइडी। जो प्रूनोइडी फैमिली है इसकी क्या खासियत है? तो इसमें क्या होता है, क्या क्या क्रॉप आते हैं? सबसे पहले पीच, फिर प्लम, प्लम, फिर एप्रिकॉट, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड। एक ना वो बना लो, पढ़ने का ना एक फ्लो बना लो, पहले पीच, फिर प्लम, फिर चेरी, फिर एप्रिकॉट, फिर आलमंड। हम क्रॉप को भी ऐसे ही पढ़ेंगे सीक्वेंस से, क्योंकि ये चार फ्रूट टाइप है, ये नट टाइप है। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, पीच और आलमंड में कुछ रिलेशन आएगा, तो ऐसे करके एक फ्लो में करेंगे। तो आप लोग इस सीक्वेंस में इसको पढ़ना, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड। यहां तक हुआ, ठीक। अब ये जो पांचों है इनमें क्या खासियत है? सबका क्रोमोसोम नंबर 16 है ना। सबका फ्रूट टाइप ड्रूप। सबका एडिबल पार्ट आलमंड को छोड़ के, भाई आलमंड तो नट है, इसका कोटिलीडन है। बाकियों का मेसोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एपिकार्प, ठीक है। एडिबल पार्ट सबका मेसोकार्प, एपिकार्प, फ्रूट टाइप ड्रूप, क्रोमोसोम नंबर 16। सबका जीनस प्रूनस, 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 ठीक है। तो फ्रूट टाइप हो गया, एडिबल पार्ट हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, जीनस प्रूनस हो गया। सबका सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व डबल, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है ना। आप लोग पूरा लिखना, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व सभी हैं, और सभी के सभी क्या हैं? ट्रू फ्रूट है भैया, है ना। इसके अलावा इसमें टर्मिनल, हाँ मैं कर रहा, वेजिटेटिव बर्ड, टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड नहीं है, नॉर्मल बर्ड है, ठीक है। तो नो टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड लिख लीजिए, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड नहीं है, क्या है? टर्मिनल नॉर्मल बर्ड है, तो नो टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड, इतना आपको याद रखना है एटलीस्ट, ठीक है। बाकी और समझ में आएगा। इन पांचों के पांचों में सीड में एमिगडेलिन करके कंपाउंड पाया जाता है, एमिगडेलिन अगर लिखना चाहो, यही एमिगडेलिन है, या जिसे अपन प्रसिक एसिड कहते हैं, जो कि फर्दर हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और पॉइजनस इफेक्ट शो करता है ना, वो यही चीज है। तो एमिगडेलिन केमिकल पाया जाता है सबके सीड में, लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि इधर भी पाया जाता है। ये लिख लिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। फिर नेक्स्ट फैमिली आती है सब फैमिली, इसी के अंदर रोजोइडी, रोजेसी फैमिली के अंदर रोजोइडी। क्या क्रॉप आएगा यहाँ पे? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इतना क्लियर याद रखेंगे, आगे बढ़े। जो न्यू बैच वाले उनका तो रिवीजन हो रहा होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लो बढ़िया, ठीक है। ये सारा कैरेक्टर आपने लिखा था, और ओल्ड वाले बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं इसको, ठीक। दूसरा आता है जिसे कहते हैं जुगलेंडेसी फैमिली। पहला फैमिली क्या था बताइए? रोजेसी। दूसरी फैमिली क्या है? जुगलेंडेसी फैमिली। जुगलेंडेसी फैमिली में दो क्रॉप आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताइए? वॉलनट, वॉलनट और पिकानट। वॉलनट और पिकानट, वॉलनट और पिकानट। वॉलनट क्या है? किंग ऑफ नट, किंग ऑफ नट। पिकानट क्वीन ऑफ नट।
इनमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, इसको सीधा फैमिली से आप याद रख सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर सबका कितना है बताइए? 32 है सबका, ये दोनों क्रॉप का क्रोमोसोम नंबर 32। ठीक है, सभी का इनफ्लोरेसेंस क्या है? मेल जो है कैटकिन, फीमेल स्पाइक। ठीक है, तीसरा है, तीसरा कॉमन पॉइंट क्या है सबका? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या है? डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है। डबल है कि सिंगल है? डबल डबल है ना, हाँ डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ठीक है, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इसके अलावा सभी क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड? क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, लेकिन ये याद रखेंगे कि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वाली बात नहीं है। ये क्रॉस पॉलिनेटेड इसलिए नहीं है कि सेल्फ इनकम्पेटिबल है, बिल्कुल मत सोचना कि मेल फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है इसलिए। ये दोनों के दोनों सेल्फ कंपेटिबल है भैया, ध्यान से लिखना, बाद में ऐसा महसूस मत हो कि मैंने इनकम्पेटिबल को गलती से कंपेटिबल तो नहीं लिख दिया, ब्रैकेट में लिख लेना, मैं कंपेटिबल ही लिखना चाह रहा था। ये सब सेल्फ कंपेटिबल है, लेकिन चूंकि इसमें प्रोटेंडरी या प्रोटोगाइनी जैसी चीजें पाई जाती है इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सेल्फ कंपेटिबल है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, प्रोपगेशन दोनों का पैच बडिंग से होता है। ठीक है, दोनों में ही टर्मिनल मिक्स्ड बड पाए जाते हैं। फ्लावरिंग जो है ओल्ड सीजन ग्रोथ में भी आती है और न्यू सीजन ग्रोथ में भी आती है। ये कुछ बेसिक कॉमन पॉइंट्स है जो अगर आप लोग याद रखो तो वॉलनट पिकनट में भी कुछ बच भी नहीं जाता है पढ़ने को, तो इतना अगर आप याद रख लिए तो। इसमें और भी कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, याद है? अभी अभी तो लिखे हो, बताओ क्या है, बताओ अभी। एडिबल पार्ट कॉटिलीडन, सबका एडिबल पार्ट कॉटिलीडन। फ्रूट टाइप नट टाइप नट। सभी के सभी क्या है? मोनोशियस, याद है? मोनोशियस। मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी के सभी विंड पॉलिनेटेड। ये कैरेक्टर्स को याद रखो तो ताकि जब क्रॉप में जाए ना तो टेंशन ना हो। ठीक, इतना हुआ। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने कहा है फ्लावर ओल्ड सीजन ग्रोथ में भी आता है और न्यू सीजन ग्रोथ में भी आता है। इसके ऊपर अपन ने डिस्कशन भी किया है, अगर संजय आप लोग को याद हो बहुत पहले प्रीवियस बैच। यस सर। कि फ्लावर जो है ओल्ड सीजन और न्यू सीजन दोनों में आता है, लेकिन अगर कोई बोले बियरिंग हैबिट क्या, इस हिसाब से फ्लावरिंग हैबिट क्या हुआ, मिक्स्ड हुआ, दोनों में आ रहे हैं ओल्ड सीजन में भी न्यू सीजन में भी। लेकिन बियरिंग हैबिट अगर कोई पूछे तो बियरिंग हैबिट मतलब फ्रूट कहाँ बियर करता है, तो फ्रूट किसमें होता है, मेल में या फीमेल में? फीमेल में। फीमेल में। फीमेल में। तो हमेशा याद रखेंगे ये जो ओल्ड सीजन ग्रोथ है ना इसमें केवल मेल फ्लावर आता है, याद रखना। ओल्ड सीजन ग्रोथ में मेल कैटकिन आते हैं और न्यू सीजन ग्रोथ में, न्यू सीजन ग्रोथ में हमेशा क्या आती है, फीमेल आती है। और ये न्यू सीजन ग्रोथ टर्मिनल पोर्शन में आता है, तो याद रखेंगे कि इसमें जो है टर्मिनल बियरिंग, बियरिंग की बात करेगा तो टर्मिनल बियरिंग या फिर न्यू सीजन लिखना, टर्मिनल पोर्शन में या न्यू सीजन में। फ्लावरिंग भले दोनों जगह आ सकती है, दोनों सीजन में आ सकती है, लेटरल और टर्मिनल दोनों फ्लावरिंग आती है। देखो होता क्या है, ऐसा एक ब्रांच होगा ये वन ईयर ओल्ड है, इसमें टर्मिनल में क्या पाया जाता है, मिक्स्ड बड पाया जाता है, मतलब ये डायरेक्ट फ्लावर भी बना सकता है और वेजिटेटिव बड भी बना सकता है ना, वेजिटेटिव ब्रांच जी। तो ये क्या करेगा, ऐसे एक नया ब्रांच बनाएगा। देखो यहाँ पास का बर्ड क्या किया, नया ब्रांच बना लिया, ये क्या हो गया न्यू सीजन ग्रोथ और ये क्या हो गया ओल्ड सीजन ग्रोथ। ये मान के चलो मार्च अप्रैल में मेच्योर हो गया था और ये मार्च अप्रैल में बना है, जुलाई में मेच्योर हो रहा है, तो क्या होगा, ये ओल्ड सीजन में यहाँ पे कैटकिन बन सकता है, यहाँ पे कैटकिन बन सकता है, यहाँ पे कैटकिन बन सकता है, और ये न्यू सीजन ग्रोथ में यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल फ्लावर।
तो हमेशा क्या होगा, फ्लावरिंग तो देखो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन ये क्या है, ओल्ड सीजन ग्रोथ है, और ये क्या है, न्यू सीजन ग्रोथ है। इसके टर्मिनल पोर्शन में फीमेल आएगा और इधर हमेशा लेटरल में मेल। समझ में आ रहा? तो बियरिंग की बात करेंगे तो ये आएगा टर्मिनल बियरिंग। जब क्रॉप आएगा तो खैर और अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी बेसिक कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। तीसरी फैमिली है आपकी जिसे कहते हैं फेगेसी फैमिली। ये फेबेसी नहीं है, फेगेसी है। फेबेसी को और क्या कहते हैं? लेग्यूमिनेसी। तो ये जो फेगेसी फैमिली है ना, इसमें आपका क्रॉप आता है चेस्ट नट, ठीक है, कास्टेनिया डेंटाटा पढ़े ना अभी आपने, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि जो कैटकिन होता है, देखो हमने ऊपर में क्या पढ़ा, कैटकिन केवल मेल का होता है, फीमेल अलग से होती है। इसमें कैटकिन में मेल के साथ फीमेल भी आ सकती है, ऑल्दो फीमेल के लिए अलग से होता ही है, पर वो कैटकिन में भी ग्रो कर सकती है। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? यस यस सर। चौथा क्रॉप आता है बिटुलिएसी। चौथा फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है बिटुलिएसी। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, हेजलनट, इसी को कॉब नट भी कहते हैं ना, हेलमेट के जैसा दिखता है, हेजलनट या फिल्बर्ट एक और स्पीसीज है, वो इसी में आता है। पांचवा फैमिली एनाकार्डिएसी। कौन सी क्रॉप आती है? पिस्ताचियो नट। पिस्ताचियो नट। अब पिस्ताचियो नट आ गया, इसके अलावा और कौन कौन सा क्रॉप आता है जो टेम्परेट नहीं है? मैंगो, कैश्यू नट, मैंगो, कैश्यू नट, कस्टर्ड एप्पल। सर एक चिरौंजी भी आती है इसमें। चिरौंजी, कस्टर्ड एप्पल तो इंडोनेशिया फैमिली का क्या? हॉक प्लम। यस सर। है ना, स्पोंडियस मोम्बिन पड़े थे। हॉक प्लम। तो देखो, क्योंकि मैंगो और केशोनट का इनफ्लोरेसेंस क्या है, पेनिकल है, तो इसका भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, पेनिकल फैमिली। आधार पे फ्लावर की बनती है ना, ठीक है ना। ये वो था आपका क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट टाइप का प्लांट ना, ये हर्माफ्रोडाइट टाइप का प्लांट। मैंगो एंड्रोमोनोशियस, केशोनट पॉलीगेमोनोशियस। अब पिस्ता भी तो नॉर्मल हो ही सकता, पिस्ता क्या है आपका, डायोसियस क्रॉप है, ठीक है। तो पिस्ताचियो नट आपका क्या है, डायोसियस क्रॉप है, इसको याद रखेंगे। ये दो पॉइंट कम से कम यहीं से याद कर लो, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर आपने पढ़ा होगा, याद होगा, 30, 40, 42, 30 करके उतरे थे ना, 40 मैंगो का, 42 केशो नट का, और 30 पिस्ताचियो नट, फिर 32 और 22 भी था, तो याद रखेंगे इसे, ठीक है। यहाँ तक हुआ। छठवीं फैमिली आती है एक्टिनिडिएसी। इसकी फैमिली है कीवी फ्रूट, ठीक है। तो कीवी फ्रूट की फैमिली है, याद रखेंगे, ठीक। यहां तक हो गया। तो ये हुआ आपका फैमिली क्लासिफिकेशन। ये रिवीजन करने, कभी भी टेम्परेट क्रॉप पढ़ोगे तो पहले इस क्लासिफिकेशन को पढ़ना, एक बेसिक नॉलेज के साथ जाओगे, चाहे कितनों बार पढ़ लिए रहो, रिवीजन बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट आता है फ्रूट टाइप। बताओ भैया फ्रूट टाइप, सबसे पहला टाइप का फ्रूट आता है पोम। किसका किसका है, नाम बताते जाओ एक क्रॉप का। एप्पल, पियर, एप्पल, पियर, क्वींस, लोकवाट्स, चारों का सब फैमिली पोमोइडी। पोमोइडी, जल्द बढ़िया लिखते जाइए, मन करेगा तो बॉट निकालने फिर से लिखना, जितना रिविजन करोगे उतना अच्छा है। दूसरा स्टोन या फिर ड्रूप, किसका है जी, किसका किसका फ्रूट टाइप है? पीच हो जाएगा, प्लम हो जाएगा, पीच, चेरी, एप्रिकॉट, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, ठीक है। और ये सभी ड्रूप के क्या है, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हैं, याद रखेंगे, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, और ये सारे के सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। कितना हुआ,
फिर तीसरा आता है आपका नट, किसका किसका है? वॉलनट, पिकनट, चेस्टनट, हेजलनट और क्या है? पिस्ताचियो नट, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या आता है? इटेरियो ऑफ एकेंस, किसका है? स्ट्रॉबेरी। पांचवा है बेरी, किसका है? कीवी फ्रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फ्रूट टाइप। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कौन कौन से में पाया जाता है। तो देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सबसे पहले दो प्रकार की होती है, हमने पढ़ी है, न्यू बेस वाले भी पढ़ेंगे कुछ दिनों में, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, है ना। तो आपका जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है टेम्परेट में किस में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? तो एक पाया जाता है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बारे में पता है ना क्या होता है, अपन पहले से पढ़ चुके हैं, याद है? यस सर। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? बीपीएल पढ़ते थे और उसके अलावा रोजेस, टेम्परेट रोजेसी पढ़ते थे, याद है? टेम्परेट रोजेसी फैमिली, याद है कुछ? तो टेम्परेट रोजेसी फैमिली में कौन कौन है भैया, चलो लिखो। एप्पल, पियर, क्वींस, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में देखा जाए तो लोकवांड भी है, ठीक है। तो एप्पल, पियर, क्वींस, फिर प्लम, चेरी, एप्रिकॉट और आलमंड। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो पीच और उसके बाद उसको काट देना कि पीच में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। एप्पल, पियर, क्वींस, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड और लोकवार्ड, ये देखोगे तो सब के सब रोजेसी फैमिली के हैं ना। तो रोजेसी फैमिली के क्रॉप में ही पाया जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सेल्फ कंपेटिबल कौन कौन से हैं? कंपेटिबल मतलब जिसमें नहीं पाई जाती है। तो रोजेसी फैमिली से पीच, बाजू में लिख लेना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फ्रॉम रोजेसी, ताकि याद रहे और इसी को सवाल में पूछेगा। दूसरा बताया था ना वॉलनट और पिकनट, ऐसा क्रॉप नहीं है कि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाएगी, वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, उसके कारण कुछ और है। तो वॉलनट, पिकनट, चेस्टनट, ये सब कंपेटिबल क्रॉप है भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन सबों में दिक्कत क्या होता है कि प्रोटीन ट्री प्रोटोकाइन टाइप का चीज पाया जाता है और कई मैकेनिज्म है जिसके कारण वो खुद को पॉलिनेट नहीं कर पाते। क्लियर है? यस सर। फिर एक आती है क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अपने आप को तो पॉलिनेट नहीं कर सकते, दूसरे पौधों को भी नहीं कर सकते, कुछ को, मतलब 10 लोगों में से 5 को पॉलिनेट नहीं कर सकते, 5 को कर सकते हैं, मतलब ये तो वो मूडी टाइप का आदमी हो गया कि मैं दाल के साथ केवल और केवल आलू की सब्जी खाऊंगा, आप गोभी बनाओगे या कोई भाजी बना दोगे तो उसको नहीं खाऊंगा, मतलब ये क्या बोल रहा है कि मैं इस क्रॉप के साथ पॉलिनेशन कर सकता हूँ, इसके साथ कर सकता हूँ, बट इन तीन लोगों के साथ नहीं करूंगा, चूजी। तो ये क्या हो गया आपका, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं इसको, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, आगे आएगा। तो क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी किसमें पाया जाता है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है चेरी, भूलना ही नहीं है, इसमें अभी पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये प्लम में भी देखने को मिलता है रेयरली, कभी कभी, और कभी कभी एप्पल में भी देखने को मिलता है। तो आपको चेरी फर्स्ट प्रिफरेंस होना चाहिए और ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुआ यहां तक? यस सर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी लिख लिए? यस सर।
नेक्स्ट लिखिए डायोसियस, इधर कौन कौन से क्रॉप डायोसियस हैं बताओ? पिस्ताचियो नट और कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट ये सिर्फ रिवीजन टाइप का है, कीवी फ्रूट और पिस्ताचियो नट क्या है डायोसियस है, मेल भी मिलने वाले अलग प्लांट में पाया जाता है। हेट्रोस्टाइली कहाँ पाया जाता है, आलमंड में है हेट्रोस्टाइली? ठीक। उसके अलावा हेट्रोडाइकोगेमी, ये शब्द सुने हो? जब कुछ वैरायटी प्रोटेनरी और कुछ वैरायटी प्रोटोगाइनी होती तो उसे हम लोग हेट्रोडाइकोगेमी कहते हैं, पढ़े थे याद है? यस सर। इसमें पाया जाता है पिस्ताचियो नट, पिस्ताचियो नट। इसके अलावा डुओडाइकोगेमी किसमें पाई जाती है भैया? चेस्टनट। चेस्टनट। और उधर देखो लीची में मेंशन्ड कहीं नहीं है डुओडाइकोगेमी। डुओडाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, एक बार जितने फ्लावर खुलेंगे वो मेल की तरह खुलेंगे, फिर दो तीन दिन बाद भी मेल की तरह, फिर उसके बाद ये वाला जो पढ़े नहीं थे अपन अभी रेम्बूटान लीची वगैरह में, है ना? तो डुओडाइकोगेमी का ऐसा है कि कहीं पे लीची में मेंशन नहीं है लेकिन टाइमिंग का गैप दिया हुआ है, तो उस आधार पे बोल सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं जमेगा तब आप लीची टिक करोगे, उसका रिफरेंस नहीं है पर उसके टाइमिंग का रिफरेंस है। ठीक है, तो डुओडाइकोगेमी अपन जो है और किसमें पढ़े थे, रेम्बूटान में पढ़े थे याद है? रेम्बूटान था कि लॉन्गन था? दोनों तीनों में ही है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? यस सर। नहीं कुछ बोलोगे सर? एक बुक में वॉलनट और हेजलनट में भी हेटेरोडाइकोगेमी दिया था। वॉलनट और हेजलनट में, वॉलनट तो मेजर क्रॉप है, कौन सा बुक है ये? सर शायद ग्लॉस्टर्स इंस्टेंट में से कोई, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। नहीं ग्लॉस्टर्स इंस्टेंट में तो जहां तक नहीं दिया है उसमें नहीं दिया है, क्योंकि वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है रीसेंट एडिशन में दिया होगा तो बोल नहीं सकता, पुराने में तो नहीं दिया है। ठीक है, मैं अभी तो क्रॉप आएगा तो एक बार चेक कर लेंगे, बट उम्मीद कम ही है उसमें, ना के बराबर। ठीक है, ओके सर। वो बेसिक बुक में दिया हुआ है कौन सा वाले में सर? जितेंद्र हॉर्टिकल्चर। यस सर। ओके, मेरे को एक बार भेजिएगा उसका फोटो, बाकी चेक कर लेंगे चलो जब क्रॉप आएगा तो। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है जीनिया। जीनिया क्या है, तो हमने पढ़ा था ना एक मेटाजीनिया होता है जिसमें इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन फ्रूट हमने किसमें देखा था, डेट पाम में देखा था। तब मैंने आप लोगों को जीनिया बताया था कि पिस्ता में क्या होता है, सीड का लेंथ कम ज्यादा हो जाता है अगर दूसरे स्पीसीज से उसका वो हो जाए पॉलिनेशन हो जाए, याद है? याद रखना, अभी जब क्रॉप आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जीनिया यानी कि सीड का पोलन का इफेक्ट सीड में, सीड का साइज जो है किसी पर्टिकुलर पोलन के कारण अगर चेंज हो जाए तो उसे जीनिया कहते हैं। अभी क्रॉप में इसको अच्छे से समझाऊंगा तो इसे याद रखना, पिस्ताचियो नट है ये। एक्चुअली ये वो चीजें हैं जो खास पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखना पेपर में यही सब पूछते हैं मेनली वेराइटी को छोड़ के, तो मेजर क्वेश्चन यही से आने वाले हैं। क्लियर है, यहां तक हो गया? यस सर। एक लास्ट लिखिए क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि यही चीजें जो है आपको कंफ्यूज करती है मेनली, इसको अच्छे से रिवाइज करना। क्रोमोसोम नंबर मतलब क्या हुआ, सबसे पहले किसका किसका क्रोमोसोम नंबर 34 है बताओ, या एक काम करो पहले लिखो 32 क्रोमोसोम नंबर किसका किसका है बताइए। पिकनट वॉलनट। सबसे पहले आता है 2n is equal to 2x is equal to 32 किसका है, पीकानट और वॉलनट। फिर आता है 2n is equal to 2x is equal to 34 34 किसका किसका है भैया बताइए। एप्पल पियर लोकार्ट। पियर क्वींस लोकार्ट। तीसरा क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 56 किसका है, स्ट्रॉबेरी। 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 ठीक,
2n is equal to 2x is equal to 24. चेस्टनट वो पढ़े नहीं थे अपन, कार चेस्ट में रखे हुए एवोकेडो को खा गया वाला एक ट्रिक बनाए थे, याद है? उसको रिवाइज कर लेना। यस सर। उसके बाद पांचवा आता है 2n is equal to 2x is equal to 30, किसका है? 40 42 30, 40 किसका है? मैंगो। 42 केशव नट, तो 30 किसका हुआ? पिस्ताचियो नट। अगर मैं बोलूं 2n is equal to 2x है ना, ये 2n is equal to 2x is equal to 58, किसका है? कीवी फ्रूट। कीवी, ठीक है। ये 2x is equal to 58 होता है, और आप लोग जो 6x पढ़ते हो ना, उसका is equal to 174 होता है, तो वो ग्लस्टर्स या इंस्टेंट किसी में थोड़ा सा गलत हो गया है वो चीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेस्टनट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब बॉटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए, मतलब क्रोमोसोम नंबर। एक और आता है 2n is equal to 2x is equal to 22, किसका है? तो हेजलनट या फिलबर्ट। इतना हो गया। एक अंतिम दौर पे आते हैं फिर, जहां से मिलनी क्वेश्चन उठता है। यहां तक हो गया? यस। अब आता है भैया 2n is equal to 2x is equal to 16, 16 किसका किसका है? तो भैया पियर का 16 है, पीच का 16 है, प्लम का 16 है, चेरी का 16 है, और आलमंड का भी 16 है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन को पकड़ के रखना, यहीं से सवाल बनेगा। पहला एक्सेप्शन है चेरी में से। चेरी दो प्रकार के होते हैं, स्वीट चेरी, सोर चेरी, ड्यूक चेरी, सेंट चेरी, कई सारे चेरी पढ़ोगे। सोर चेरी जो होता है, ये होता है अपने आप में टेट्राप्लॉइड, तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 32, ठीक है। सर पीआर का तो 34 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, पीआर लिख दिया हूँ, पीच प्लम चेरी एप्रिकॉट, ठीक है, एप्रिकॉट पीच प्लम चेरी आलमंड, इतने का होता है क्या? 16। लेकिन इसमें एक स्पीसीज है प्रूनस सेरासस, उसका कितना है? 32। दूसरा सोर चेरी के बाद दूसरा क्या आता है? एक ऐसी स्पीसीज है प्लम में, यूरोपियन प्लम। यूरोपियन प्लम जो होता है ना, एक जापानीज प्लम होता है, यूरोपियन प्लम होता है, ये होता है अपने आप में 2n is equal to 6x is equal to 48। उसने 42 दिया है, सुधार लेना, बुक में 42 दे दिया है। 16 3 48, ये हेक्साप्लॉइड होने के कारण इसका क्रोमोसोम नंबर 48 है। ये दो एक्सेप्शन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे, ठीक है। ये दो याद रखेंगे, पिस्ताचियो नट को याद रखेंगे, ठीक है, स्ट्रॉबेरी को याद रखना, कीवी फ्रूट को याद रखना, ये दोनों हेजलनट चेस्टनट होना हो कोई दिक्कत नहीं, और ये दोनों तो आपको ऑटोमेटिक याद हो गए। तो इतना क्लासिफिकेशन का पोर्शन आपको याद रखना है। अभी आप लोगों को कल के क्लास में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन में एक प्रोपगेशन का क्लासिफिकेशन और पढ़ाऊंगा छोटा सा, क्योंकि वो जरूरी है। प्रोपगेशन थोड़ा बहुत इंफ्लोरेसेंस देख लेंगे, ठीक है, और ट्रेनिंग सिस्टम देख लेंगे। ये तीन को देखने के बाद फिर अपन जो है थोड़ा सा आपका फर्दर जो चीजें हैं उसको देखना चालू करेंगे, फ्रूट स्टॉक और जो भी चीजें हैं। ये जब बेसिक आप लोग का डेवलप हो जाएगा ना, तब 3 दिन बाद अपन टेम्परेट क्रॉप को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊं तो आपको कुछ प्रियोर नॉलेज हो। अदरवाइज अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग सर पकड़ोगे, सर याद नहीं है, सर याद नहीं है। इन तीनों को पढ़ने के बाद अगर क्रॉप में जवाब नहीं निकला तो फिर मैं रिमूव मारना चालू करूंगा सीधा। तो क्रॉप आने से पहले ये पूरा बेसिक आपको रिवाइज करके रखना है, तभी टेम्परेट समझ में आएगा। और जितने लोग सपना देखते हो ना, हम आइए आ रही है यही चार में पढ़ेंगे, जब तक आप अपना टेम्परेट क्रॉप, अपना फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल एरोमेटिक, ये तीन ऐसा सेक्शन है जिसको एकदम कम मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे ना, आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप स्कोर कर लोगे, हो सकता है आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, बट बहुत अच्छे स्कोर करना है, 400 का स्कोर टच करना है, ये तीन, क्योंकि यही सबसे वीक होता है सबका। ये तीन पकड़ लो, आराम से पकड़ोगे। और इसके अलावा और बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो प्रोसेसिंग, प्लांटेशन, ठीक है, स्पाइसेस जैसी माइनर सब्जेक्ट जिसको लोग उतना फोकस नहीं करते, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो।
मेडिसिनल तो हो गया, उसको अपने साइड से जितना क्लस्टर्स में दिया एटलीस्ट पढ़ लो, प्रोसेसिंग मेरे साइड से जितना होगा मैं करा दूंगा, प्लांटेशन जितना होगा मैं कराऊंगा ही, और थोड़ा सा स्पाइस अभी मैम कराएंगी, मैम से पढ़ लो बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर वेजिटेबल ये वो तो हो ही जाएगा। साइड में आपको कवर करने के लिए आपको फिजियोलॉजी एंड ब्रीडिंग की जो रेगुलर क्लास हो रही है ना, ये आपको कहीं ना कहीं साइड से हेल्प करेंगी, कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन दो तीन नंबर आगे बढ़ने में वो भी हेल्प करेंगी, जो चीजें बाकी जेआरएफ की हॉर्टिकल्चर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। और बाकी फ्रूट और वेजिटेबल तो ऐसा है ना, हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन फ्रूट में टेम्परेट में आदमी छोड़ देता है, वेजिटेबल में माइनर वेजिटेबल जो होते हैं ना, डीपी वेजिटेबल, उसको छोड़ देते हैं। मैडम ने ये चीज बहुत अच्छा किया कि आपको माइनर पहले पढ़ाया है, तो पहले जो पढ़ते उसमें ज्यादा फोकस रहता है, और अब लास्ट में टमाटर वमाटर पढ़ रहे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो सारे साइड से आप लोग एकदम प्रॉपर तैयार हो रहे हो। प्रैक्टिस करो बढ़िया दबा के और इसको अच्छे से पढ़ो। बताइए, जीनिया नहीं आया सर? जीनिया ना मैं आपको ना क्रॉप में समझाता हूँ, एक्चुअली जीनिया हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी ना मेरे को वहां जाना है स्कूल, तो मैं ना आपको कल के क्लास में अभी समझाता हूँ, ठीक है सर? हाँ बोलिए।